अब ये सब चीजें मैं यूट्यूब पे तो डाल नहीं सकता हूँ, घर में कोई देख लेगा। आइए आइए आइए। दो लड़कियां देखे गई हैं, एक आंटी थी पीछे, उनकी बेटी थी, मुझे देख। वेलकम बैक गाइस। वो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग अपनी आइडेंटिटी लेने जा रहे हैं एक साल बाद, तो आज अपना आईडी कार्ड मिलेगा आज अपने को, देखते हैं कहाँ का आईडी कार्ड मिलेगा, कौन से कॉलेज में। आज पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एडमिशन सर हमको क्या पता, मोहित भैया वहीं खड़े रहो तुम। तो आज तो ये पता चलेगा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फिलहाल आज आइडेंटिटी कार्ड लेने चलते हैं। ओह माय गॉड, 3 फ्लोर ऊपर आओ वे ऊपर, तो देखते हैं ऊपर चल के कहाँ आईडी कार्ड आया है। तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपको पीछे लाल लाल दिख रहा होगा। तो ऐसे मैं अभी यार शर्म के मारे लाल हो गया हूँ, क्योंकि यार मुझे मिला है अपना ये आइडेंटिटी कार्ड। तो फाइनली मैं हाइजीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का चमक है, हाइजीन ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का मैं स्टूडेंट बन चुका हूँ। और उसी के साथ साथ अपने को एक नई नई क्लास दी गई है, जहां पर मतलब एसी तो पहले भी था लेकिन एक चीज अपग्रेड हो गई है। अब मैं आपको क्लास दिखाता हूँ, ठीक है? ऑन द काउंट डाउन ऑफ 3। वाओ क्या क्लास लग रही है भाई साहब, मस्त है यार। और यहाँ से बाहर का लोकेशन दिखाऊं, दरवाजे देखो कितने मस्त है यहाँ के। ये बाहर को लोकेशन दिखाता हूँ, ओ भाई साहब वाओ क्या ही कॉलेज लग रहा है, हाइजीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। बस ठीक सब चल रहा है। ओह तेरे न करे, वाओ गेमिंग रूम आई जगह। गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा वो तुम्हारा क्या होगा। Girls reading by this and have a long hair is so अनूर, वो वाली स्टोरी सुना है भाई? कौन से भाई? एक पति था, उसने अपनी पत्नी से शादी की, फिर उसने अपनी पत्नी को ना पढ़ाई करने के लिए मतलब एसडीएम बनाने के लिए पढ़ाई करवाई। फिर भाई पता है क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ भाई? वो लड़की ने क्या किया यार, लड़की ने उस अपने पति को धोखा दे दिया, मतलब पत्नी ने पति को धोखा दे दिया। हुआ क्या भाई, उसने एसडीएम बनने के साथ जो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करने के साथ 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 उसने दूसरे लड़के से बहस किया, मोहब्बत कर ली। भाई सुनो तो, मैं देख रहा हूँ आजकल की लड़कियों को भाई ऐसे कितनी जल्दी प्यार होता है। हम लोगों, हम जैसे लड़कों को देखो भाई, चार चार पांच पांच साल हो जाते हैं, एक ही में फंसे रहते हैं, नहीं पाते हैं। और यहाँ देखो ऐसे भाई, लेकिन उस बंदे के साथ यार बहुत गलत हुआ यार। उस बंदे मतलब उस बंदे ने जब अपनी ये स्टोरी बताई भाई, यहाँ से दर्द दिख रहा, मतलब मैं महसूस कर पा रहा था। कोई कैसे कर सकता है भाई, उस बंदे ने मतलब पूरी मेहनत लगा दी उस लड़की को एसडीएम बना रहे हैं, और वो किसी और के साथ जिंदगी बिताने लगे। यार सो सैड मैन। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या यार? आजकल लड़कियों का क्या ये भरोसा है, कुछ लड़कियों की वजह से सारी लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम है फिलहाल। आजकल लड़कियां ही ऐसी होती हैं भाई। शानू तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, या फिर मिले हो ऐसी किसी लड़की से? नहीं भाई ऐसा नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ भाई। मुझे तो हर हमें तो ऐसे चलता जा रहा हूँ, ऐसे टकराऊंगा। ओह अच्छा, ये तो वही है, सिमिलैरिटी मुझे तो मिलती रहती है यार। हम भी तो वही हैं क्या? क्या है भाई जो ना सुधरे? ना सुधरे, अब तो आदत हो चुकी उसी राह पे चलने की। गम मिले, सुख मिले, चैन मिले, दर्द मिलेगा, धोखा मिलेगा, लेकिन उसके साथ मोहब्बत हर किसी से करता फिरेगा। ये देखो आजकल की लड़कियों को मूवी देखा, देखो कैसी बातें कर रही भाई। एक के साथ रहो या दो लोग, कैसी बातें कर रही है भाई। इनके मुंह में तो पहले ही पानी आ रहा है, लाट टपक रही है। बट प्लीज, बट मेरे ऐसा संस्कारी लड़का इग्नोर कर देगा, जाओ जी अपनी जिंदगी को।
ये सब चीजें मैं यूट्यूब पे तो डाल नहीं सकता हूँ, घर में कोई देख लेगा। आइए आइए आइए। दो लड़कियां देखे गई हैं, एक आंटी थी पीछे, उनकी बेटी थी, मुझे देख के डर गई, भाग गई। लड़कियां डरती रहती हैं आजकल। मैं सोच रहा हूँ अपने बाल सेट करा लूँ। लड़कियां बोलती हैं मैं अपने मुंह से तारीफ ना करूँ अच्छा नहीं लगेगा, फिर अपनी तारीफ खुद ही करने लगी।